हाय फ्रेंड्स, दोस्तों ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और जाहिर सी बात है बहुत सारे राइटर्स इसके बारे में जानते नहीं हैं, तो कोशिश करूँगा आप लोगों को एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देने के लिए। सबसे पहले दोस्तों, बहुत सारे नौसिखिए राइटर्स ऐसे हैं जो ये समझ बैठते हैं कि अगर वो स्क्रीन राइटिंग का कोर्स कर ले, अगर मूवी स्क्रिप्ट राइटिंग का कोर्स कर ले, तो किसी भी फील्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे शॉर्ट फिल्म हो गया, या फिर वेब सीरीज हो गया, या फिर फीचर फिल्म हो गया, या फिर डॉक्यूमेंट्री हो गया, या फिर कोई एडवर्टाइजमेंट हो गया। ये गलत है, क्योंकि बेसिक ग्रामर, चाहे कोई भी फील्ड हो, उसका बेसिक ग्रामर सेम है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हर किसी का अपना एक अप्रोच है। इसी ये एक बहुत बड़ी रीज़न है जिसकी वजह से एक शॉर्ट फिल्म राइटर को फीचर फिल्म नहीं मिलती, या फिर एक वेब सीरीज राइटर को फीचर फिल्म लिखने के लिए नहीं बुलाया जाता, या फिर एक डॉक्यूमेंट्री राइटर को कमर्शियल एड लिखने के लिए बुलाया नहीं जाता, या फिर कोई सीरियल के राइटर को फिल्म के स्क्रिप्ट लिखने के लिए नहीं दी जाती, क्योंकि हर फील्ड का अपना एक खुद का एक अप्रोच है। अगर आपको किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना है, तो एज इंटर्न से शुरुआत करनी होगी, पहचान बनाना होगा, आपके खाते में ढेर सारे प्रोजेक्ट लाने होंगे, उसके बाद प्रोजेक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। जो राइटर्स हैं उन लोगों के लिए मौके क्या क्या हैं, ये एक सवाल है जो आमतौर पर हर राइटर के सामने रहता है। पहला जो जॉब है वो है स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्ट के बीच हल्का सा फर्क है। स्क्रीन प्ले पहले लिखी जाती है, फिर स्क्रिप्ट को बाद में लिखा जाता है। इसलिए मैं अक्सर मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल में अक्सर इस बात का जिक्र करता हूँ कि डायलॉग जो होते हैं वो बहुत आखिर में लिखे जाते हैं, यहाँ तक कि शूटिंग होने के लगभग 1-2 वीक पहले डायलॉग लिखे जाते हैं। लेकिन एक कमर्शियल सिनेमा के लिए डायलॉग बहुत मायने रखता है। तो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले आखिर किस डॉक्यूमेंट का तैयारी होती है, वो है स्क्रीन प्ले की। स्क्रीन प्ले लिखने के लिए एक राइटर भी हायर किए जाते हैं। दोस्तों मैं आपको और एक बात भी बता दूं, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्शन कंपनी है जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार करते हैं, लॉक करते हैं, फिर प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुद्दा है वो है स्क्रीन प्ले राइटर के लिए, ठीक है। तो एक राइटर स्क्रीन प्ले राइटर के तौर पर भी अपना करियर शुरू कर सकते हैं। स्क्रीन प्ले राइटर का काम इतना होता है कि वो हर सीन को एक नैरेटिव फॉर्म में लिखें, एक ऐसे फॉर्म में लिखें जिसमें डायलॉग जरूरत ही ना हो। तो इस किस्म के जो सीन राइटिंग, वो filmshiksha.in पर स्क्रीन राइटिंग जो ट्यूटोरियल्स हैं उसमें मैंने एग्जांपल के साथ समझाया है। तो एक स्क्रीन प्ले राइटर को सीन आफ्टर सीन एक प्रोजेक्ट के लिए लिखनी होती है जिसमें डायलॉग्स होते नहीं हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सिर्फ डायलॉग को हटा के लिख दो तो वो एक स्क्रीन प्ले बन जाएगा, ऐसा नहीं है, उसका एक लिखने का एक तरीका है। तो आप दिमाग के कोने में रखिए कि आप अगर एक राइटर हैं, इंडस्ट्री में मौका पाना चाहते हैं, तो स्क्रीन प्ले राइटर आपके लिए एक मौका है। दूसरा जो मौका है वो है डायलॉग राइटर। अक्सर क्या होता है कि बहुत सारे नौसिखिए राइटर वो इस बात को समझ नहीं पाते हैं, उनको लगता है कि इंडस्ट्री में सिर्फ स्क्रिप्ट का डिमांड है, जबकि अच्छे डायलॉग राइटर का भी डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये डायलॉग राइटर को सीन लिखने की इतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी अच्छे डायलॉग लिखने की। अगर बहुत सारे जो नौसिखिए हैं उनके अगर स्क्रिप्ट के पन्ने पलट के देखेंगे तो हमें सिर्फ डायलॉग्स दिखेंगे, वो डायलॉग्स काफ़ी मज़ेदार होते हैं, काफ़ी अच्छे होते हैं। अगर आप भी डायलॉग लिखने में माहिर हैं, आप एक अच्छे डायलॉग लिख सकते हैं, तो आपको एज डायलॉग राइटर ट्राई करना होगा, एज डायलॉग राइटर आपको स्ट्रगल करना होगा। आप पहचानें कि आपके अंदर की खूबी क्या है, उसके बाद एज डायलॉग राइटर आप स्ट्रगल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो डायलॉग राइटर जो ऑलरेडी इंडस्ट्री में है, आप उनको असिस्ट करके इस क्राफ्ट को और गहराई से आप समझ सकते हो। तो डायलॉग राइटिंग भी आपके लिए एक ऑप्शन है। और एक जो ऑप्शन है वो है लिरिसिस्ट, यानी कि गीतकार, जो गीत लिखते हैं। अगर आप अच्छी कविताएं लिख सकते हैं तो आपके लिए ये द्वार भी ओपन है, आप एज लिरिसिस्ट अपना करियर शुरू कर सकते हैं। बहुत सारे राइटर्स ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि सर हम लोग लिरिसिस्ट बने कैसे। दोस्तों लिरिसिस्ट का सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट अगर किसी के पास है वो है म्यूजिक डायरेक्टर के पास। आपको म्यूजिक डायरेक्टर जैसे अपॉइंटमेंट लेना होगा और आपकी लिखी हुई कुछ कविताएं या फिर जो भी गीत आपने लिखे हैं वो आपको शेयर करना होगा। और जैसे मैं हर
वीडियो में बताता हूँ कि कॉपीराइट करना मत भूलिएगा। कॉपीराइट के लिए फिल्म राइटर एसोसिएशन बहुत बढ़िया ऑप्शन है। और एक जो अपॉर्चुनिटी है वो है कॉपीराइटिंग। कॉपीराइटिंग यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट के लिए लिखा जाता है, जो कैची लाइन्स होते हैं, ठीक है। कॉपीराइटिंग का जो डिमांड है वो सिर्फ एड एजेंसी में है। एड एजेंसी में जब आप जॉब करोगे एज कॉपीराइटर, आपको लिखना होगा, आपके पास क्लाइंट होगा, आपके पास एक प्रोडक्ट होगा, उस प्रोडक्ट को और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को नज़र में रखते हुए और किस ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं उसको दिमाग में रखते हुए आपको कॉपी तैयार करनी होगी। अगर आप एब्सोल्यूट नए हैं, पहले कॉपी राइटिंग कहीं पे की नहीं है, तो जाहिर सी बात है आपको इंटर्न के तौर पे शुरुआत करनी होगी। तो ये भी द्वार एक ओपन है। कॉपी राइटिंग के बाद और एक जो अपॉर्चुनिटी है वो है टेलीशॉप एडवर्टाइजमेंट में काफ़ी मौके हैं। टेलीशॉप एडवर्टाइजमेंट में कॉपी से ज़्यादा कंटेंट के ऊपर ध्यान दिया जाता है, जिसमें राइटर की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप टेलीशॉप ऐड देखेंगे तो उसमें एक प्रॉपर फ्लो है। शुरुआत यहाँ से होती है, फिर ये चलता है, फिर अंत यहाँ पे होता है। एक फ्लो है जिसमें आप ऑडियंस को इन्फॉर्मेशन धीरे धीरे रिवील की जाती है, राइट। तो टेलीशॉप एडवर्टाइजमेंट में भी राइटर की डिमांड होती है, जहाँ पे अच्छा खासा पेमेंट भी मिलता है। उसके बाद आ गया कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर ये काफ़ी चैलेंजिंग जॉब है और ये बहुत सारे कम राइटर हैं जो इसके बारे में जानते हैं। कंटेंट राइटर क्या होता है कि मान लीजिए मैं एक प्रोडक्शन कंपनी हूँ और मैं एक इन्वेस्टर हूँ, मेरे पास पैसे हैं, मैं चाहता हूँ एक सीरियल बनाने के लिए, लेकिन मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है कि उसका कंटेंट किस प्रकार का होगा। मेरे दिमाग में दो तीन किरदार हैं और किस मुद्दे पर ये सीरियल बनेगी, बस वही बात है। तो मुझे कंटेंट राइटर की ज़रूरत पड़ती है, तो मैं कंटेंट राइटर को सुनाता हूँ कि ऐसा ऐसा मेरे पास एक आइडिया है और ये रहा मेरा फंड और मुझे कंटेंट लिख के दो। तो वो कंटेंट राइटर वो कंटेंट तैयार करके देते हैं। तो मार्केट में कंटेंट राइटर की डिमांड बहुत ज़्यादा है। ये पूरा पैकेज तैयार करके देते हैं, ये लिख कर देते हैं रिटर्न फॉर्मेट में, जो बाद में ये जो इन्वेस्टर हैं, जो प्रोड्यूसर बनना चाहते हैं, वो इस कंटेंट को लेके फिर चैनल को अप्रोच करते हैं, नहीं तो दूसरे जो टेलीफिल्म प्रोडक्शन कंपनी उनके साथ कोलाब करते हैं। तो ये आगे की बात है। तो इंडस्ट्री में एज कंटेंट राइटर आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। कंटेंट राइटर के बाद जो और एक राइटर की ज़रूरत इंडस्ट्री में काफ़ी है वो है कंसेप्ट राइटर, ठीक है। कंटेंट राइटर पूरी कंटेंट तैयार करता है, कंसेप्ट राइटर एक सिर्फ कंसेप्ट तैयार करते हैं। दोस्तों यकीन मानो, कंसेप्ट राइटर जो कॉन्सेप्ट तैयार करते हैं वो मिलियंस में डील होता है। आप पूछोगे कैसे? फॉर एग्जांपल जो रियलिटी शोज होते हैं उसका कॉन्सेप्ट किसी एक कंपनी ने तैयार की थी, उसके सारे राइट्स उन्होंने रिजर्व करके रख लिए। अब विश्व भर में जितने चैनल्स हैं, जितने टेलीविजन चैनल्स हैं, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर अगर रियलिटी शो बनाना चाहते हैं तो उस कंपनी से वो राइट्स परचेज करते हैं। ये मिलियन डॉलर का बिजनेस है दोस्तों, ये इतना कमज़ोर नहीं है। तो कॉन्सेप्ट राइटर इंडस्ट्री में बहुत डिमांड में है और कॉन्सेप्ट राइटर जो भी एक कॉन्सेप्ट हो उसको डेवलप करते हैं। मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि ऐसा एक शो बनाऊँ जहाँ पे लोग पैसे कमा सकें, ये मेरा बेसिक आइडिया है। मैं कॉन्सेप्ट राइटर को सुनाऊँगा तो वो एक कॉन्सेप्ट डेवलप करके बताएंगे कि ये फॉर्मेट किस प्रकार का होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट राइटर के लिए स्कोप भी इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये रहा कुछ मूल बातें जो आपको मदद करेगा, आपको आपकी स्ट्रेटेजी तैयार करने में मदद करेगा। तो आप आज से इनके बारे में जानना शुरू कर दीजिए। आपके मन में ये सवाल आते होंगे कि इसके रिक्वायरमेंट्स कहाँ निकलते हैं। कई बार स्क्रीन प्ले राइटर के रिक्वायरमेंट सोशल मीडिया पर भी आ जाते हैं। कई बार इसके रिक्वायरमेंट्स जो कंपनी है उनके अपने वेबसाइट में वो डाल देते हैं। कई बार ये कॉन्टैक्ट्स के थ्रू भी हायर किया जाता है स्क्रीन प्ले राइटर के लिए। डायलॉग राइटर के लिए आपको एक डायलॉग राइटर को पहले असिस्ट करना होगा, उनको मिलिए, आप सुनाइए आप किस किस्म के डायलॉग लिख सकते हैं। नहीं तो दोस्तों और एक सबसे बढ़िया जो अपॉर्चुनिटी है वो है थिएटर। थिएटर में जिस किस्म के आपको सीखने को मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। तो एक थिएटर राइटर को आप असिस्ट कर सकते हो और आप जितना ज़्यादा हो सके उतना सीख सकते हो, ठीक है। लिरिसिस्ट के लिए म्यूजिक डायरेक्टर को अप्रोच करना होगा। कॉपीराइटिंग के लिए कॉपीराइटिंग जो एड एजेंसी है वो रिक्वायरमेंट निकालते हैं कि हमें कॉपीराइटर की ज़रूरत है। तो ये इंटर्न के लिए बहुत कम निकलता है, लेकिन एक्सपीरियंस जो कॉपीराइटर हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा निकलता है। और एक जो है टेलीशॉप एडवर्टाइजमेंट के रिक्वायरमेंट्स अखबार में निकलते हैं
और आप अगर आप चेक करोगे तो उसमें काफ़ी टेलीस्कोप एडवर्टाइजमेंट के लिए राइटर चाहिए, एडिटर चाहिए, असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए, प्रोडक्शन मैनेजर चाहिए, इस किस्म के काफ़ी रिक्वायरमेंट अखबारों में निकलते हैं, तो आपको नज़र रखना होगा। कंटेंट राइटर ये एक कंपनी में हायर किए जाते हैं कि हमें कंटेंट राइटर चाहिए, इनका रिक्वायरमेंट निकलता है, और एज एम्प्लॉय आपको वहाँ वर्क करना होगा, पूरा वर्क फ्लो को समझना होगा, ठीक है। और कंसेप्ट राइटर आप एक टीम बना के भी अपॉर्चुनिटी ग्राब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये कुछ मूल बातें हैं, इनके बारे में सोचिए और अपनी रणनीति तैयार कीजिए। मैं आप लोगों को और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ बहुत जल्द मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। थैंक यू।